हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बन जा रहे हम। मैं तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग का 185वां दिन है और फिलहाल हमें बाटल बाटल करके एक जगह है जो पड़ता है, जब हम लोसर से नीचे उतरते हैं तो करीब करीब 19-10, मुझे लगता है वही 25-25 किलोमीटर या 26 किलोमीटर के करीब है लोसर से। और बहुत भयंकर चढ़ाई करके कल हम आए थे लोसर से। जो कुंजम टॉप है वो करीब कर वैसे आए हैं 35 किलोमीटर, 30 32 या 35 किलोमीटर के करीब में। और लोसर से कुंजम टॉप था करीब करीब 19 किलोमीटर और बहुत चढ़ाई थी। अब तक की जर्नी का मेरा हाईएस्ट पॉइंट था जहाँ पे मैं धन्नो के साथ गया था, 4590 मीटर का। और उसके बाद हम आए नीचे बातल में। बातल में एक जगह है, बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। आप अगर यूट्यूब पे बातल सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक ढाबा है, चाचा चाची का ढाबा। 50 साल हो गए, 50 साल से वो ये ढाबा चलाते हैं। बढ़िया इंसान है, बहुत मस्त लोग हैं। और जब उनको पता चला कि उनको भूख लगी है तो उन्होंने मतलब दबा दबा के खाना खिलाया। ऐसा नहीं कि मतलब हम दुकान पे आए खाना खाने तो बस खा के गए, खूब 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 सारा खाना दिया उन्होंने खाने के लिए। हमारा पेट भर गया था, एकदम मज़ा आ गया था कल खाना खा के। फिर मैंने जो है बोला कि मैं टेंट लगाने वाला हूँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके दुकान में जो जगह है बैठने वाली, हम यहाँ पे सो सकते हैं? क्योंकि टेंट लगाने के लिए हमको प्रॉपर बढ़िया जगह नहीं मिल रही थी। नीचे हमारे पास जो मैट है ना वो एकदम मतलब इतना अच्छा नहीं है कि हम वहाँ पर टेंट लगाते नदी के किनारे, वहाँ पे गिट्टी पत्थर थे छोटे छोटे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपके सोने की व्यवस्था कर देता हूँ, खाना खाओ, खाना खा के मैं आपकी व्यवस्था कर। फिर उन्होंने हमें जो है ये बिस्तर प्रोवाइड कराया। ये शिवाजी भाई सो रहे कोई नहीं, मतलब यहाँ शिवाजी भाई थे, मैं था, फिर हमने दो लोगों की जगह छोड़ दी थी क्योंकि हमने सोचा कि अगर कोई और आता है तो यहाँ सो जाए, बट कोई आया नहीं। नींद बहुत अच्छी है, नींद बहुत अच्छी आई है। उठते हैं, चाय पीते हैं, सामान समेटते हैं और आगे तरफ निकलने की तैयारी करते हैं। रास्ते बहुत ख़राब है, एकदम गंदा रास्ता, अब तक का सबसे गंदा रास्ता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, जैसे जो भी होगा अपडेट करेंगे, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि हमारी धन्नो पंचर ना हो जाए, नहीं तो सारा काम ख़त्म हो जाएगा एकदम से एक बार में। तो करने की कोशिश करेंगे, हाँ देखते हैं जैसा भी होगा अपडेट करेंगे। फिलहाल तो बस यही है, उठते हैं, चाय पीते हैं, चीजें समेटते हैं। और ये है चाचा चाची जी का ढाबा और इन्होंने हमें रूम प्रोवाइड कराया था वहां पे। ये नजारा है चारों तरफ का, पूरे चारों तरफ ग्लेशियर्स दिखते हैं आपको। नींद खुलते ही एकदम बढ़िया वाला नजारा रहता है। सुबह उठा मैं, एक्चुअली रात को भी उठा था 2 बजे, सोचा कुछ फ़ोटोज ले लूँ बट हालत ख़राब हो गई, डर लगा इसलिए नहीं लिए मैंने फ़ोटोज। और चाची जी वहाँ हैं, दिखाता हूँ आपको। आंटी जी थैंक यू, नींद बहुत अच्छी आई, थैंक यू सो मच। जब भी आप यहाँ आएंगे आंटी जी के हाथ का खाना खाइए, बहुत टेस्टी होता है, खा के मज़ा आ गया था हमको। कहाँ जा रहा आपने? अब हम जा रहे हैं मनाली की तरफ। अच्छा, कितने बंदा? 2 लोग हैं। गाड़ी? साइकिल? साइकिल में जाना? हाँ। ओ बाप रे। तो आंटी जी ने हमें जगह दी थी, थैंक यू आंटी जी। और बहुत प्यारा सा जो है ना इनका ये है पूरा एरिया, दिखाता हूँ। ये है चाचा चाची का ढाबा, अंदर चाय बन रहा है, पराठे चालू है, पराठे आगे खाते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ रूम, जो रूम मिला हुआ है हमें, बहुत बहुत जबरदस्त जगह मिली थी। यहाँ धन्नो खड़ी है बाहर और यहाँ हम गए रूम में और ये हमारा रूम था। मिला तो इतना बड़ा पूरा था, हम उस पर ही सो गए थे, हमने सोचा कोई और आता है तो ये एक्स्ट्रा उनके लिए रहेगा, बट हमें नींद आ गई बढ़िया एकदम, कोई आया भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पैक वैक हमने सामान पैक कर लिया है, अब बस निकलना है तो चाय पराठे हो जाए फिर यहाँ से निकलते हैं। और अब दिखाता हूँ मैं आपको चाचा चाची का ढाबा, बहुत जबरदस्त ढाबा है, मजा आ रहा है देख के। वैसे
रात में प्यास लगी थी, मैंने यहाँ से पानी भरा पिया, तब जाके नींद आई अच्छी। और ये चाचा चाची का ढाबा जो है ना, पूरा एडवर्टाइजमेंट अड्डा हो गया है, जो आता है अपना स्टिकर चिपका के जाता है। गुड मॉर्निंग अंकल जी, थैंक यू, नींद बहुत अच्छी आई, नींद बहुत बढ़िया आई है, बहुत बढ़िया। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अंकल जी ने हमें। और ये ढाबा है यहाँ पे, लेकिन आपको हर जगह सिर्फ एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, लोगों ने ये पूरा हर जगह स्टिकर चिपका रखा है लोगों ने। ये स्नो बॉन्ड हर जगह पेपर्स में आए हुए हैं इनके, बहुत सारे पेपर्स में हैं, फिर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको, तो मस्त है। वैसे ये चीज़ें देखने के लिए बहुत कम मिल गई हैं। सावरकर जी की फ़ोटो बहुत रेयर है और यहाँ देखा तो अच्छा लगा वैसे। आप अगर स्नो, जो पहला स्नो होता है ना, तब तक ये खुला रहता है, पहले स्नो के बाद इसको बंद किया जाता है, तो कभी भी आइए स्नो से पहले आइए, अदरवाइज़ ये ढाबा बंद मिलेगा। लेकिन बाहर का जो नज़ारा है ना, वो मस्त है। तो फिलहाल हम जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, पराठे खाते हैं, पैक कराते हैं, कल वाली गलती दोहराएंगे नहीं और फिर आगे निकलेंगे। सड़कें ऐसी हैं, ये बगल में चिनाब नदी है, इसके साथ जा रहे हैं हम। पूरा ढलान था क्योंकि हम एकदम चिनाब के साथ जाने वाले थे, लेकिन ये ऑफ रोडिंग ने जो है ना पूरा मजा खिड़खिड़ा कर दिया, पूरी मेहनत बेकार कर दी। ऐसी सड़कें हैं, ऐसी सड़कों में साइकिल चलाना, अगर कहीं गलती से पंचर हो जाता तो हमारे साथ जो है ना बड़ा कांड हो जाता। फिर हमने ले लिया एक पिकअप। और फिलहाल हमने जो है धन्नों को लोड कर लिया है गाड़ी में, पिकअप में, भैया की साइकिल भी लोड हो गई है। और ये हमारा पिकअप है जिसमें हम लदे हुए हैं धन्नों के साथ। ये हमारी धन्नों कहाँ गई, एक सेकेंड, ये हमारी धन्नों है, भैया की साइकिल है, दोनों यहाँ खड़ी हैं, रस्सी से बांध दिया गया है। और ये पिकअप है जिससे हम जा रहे हैं, सामने ये नज़ारे हैं, रास्ते कैसे हैं ये भी दिखाता हूँ। ये रास्ते हैं कंकड़ और पत्थर, ये रास्ते हैं, तो इस पे साइकिलिंग करना थोड़ा रिस्की था क्योंकि अगर धन्नो पंचर हो जाती ना तो हालत ख़राब हो जाती इधर, इसलिए हमने फिर जो है एक अच्छा फैसला लिया कि पिकअप वाले भैया से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे, कुछ चार्ज लिया उन्होंने, ले जाने के लिए तैयार हो गए। हमें भी अच्छा लगा, एटलीस्ट जहाँ बढ़िया रास्ता शुरू होता है वहाँ तक चले जाएंगे। घर कहाँ आपके? मैं महाराष्ट्र से, यूपी से। ये जो जंगल आपको दिख रहा है ये 1 किलोमीटर का जो है पूरा वो है, दिखाता हूँ, 1 किलोमीटर का पूरा जंगल है, 1 या 2 किलोमीटर का। और ये जंगल बहुत ही स्पेशल है, बहुत यूनिक है, क्योंकि ये जंगल है ताम्रपत्र का, जो ताम्रपत्र हम लोग यूज करते थे पहले, मतलब हमारे पूर्वज यूज करते थे मैसेज वगैरह छोड़ने के लिए,
तो ये वही ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र के पौधे है, ताम्रपत्र का जंगल है पूरा 2 किलोमीटर का। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और मैं तो फैन हो गया। स्पीति एकदम सुनसान वीरान और फिर हम आए लाहौल की तरफ। लाहौल आते ही हरी भरी सी जो है चीजें दिखने लगी और अब ये जंगल ताम्रपत्र के। और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये एक्चुअली ढका हुआ है पूरा बादलों में, बादलों के उधर पहाड़ है और उन पे रास्ते हैं और यहाँ पे जो है बहुत ऊंचा पास है जिसका नाम है रोहतांग पास। जब अटल टनल नहीं बनी थी तब सबको इसी रास्ते से आना पड़ता था, बट जब से अटल टनल बन गई है तो यहाँ से बहुत कम लोगों को आना जाना होता है। ये सब ट्रैवलर है, जितनी गाड़ियां यहाँ से जा रही है ये लोग घूमने आए हैं सिर्फ। और हम जाएंगे इधर की तरफ, इधर से हम जाएंगे अटल टनल, अटल टनल से जो है हम क्रॉस करके निकलेंगे मनाली की तरफ। हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, बहुत तेज, और अभी हम बहुत ऊपर भी नहीं आए हैं। हमें अभी हम उतने ऊपर जा सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं अभी, लेकिन हमें जाना नहीं है, हमें जाना है मनाली की तरफ। तो निकलते हैं, सामान वगैरह पैक हो गया है सब। और ये गाड़ी आ रही है स्पीति की तरफ से, मैंने देखा था इसको रास्ते में। फिलहाल निकलते हैं, चारों तरफ बादल बादल है एकदम। ये है कोकसार और हम पहुंच गए हैं कोकसार। कोकसार से मुझे लगता है कि अटल टनल की दूरी करीब 5-6 किलोमीटर और है, बस अटल टनल जाना है, अटल टनल क्रॉस करना है, मनाली पहुंचना है। मनाली पहुंच के बहुत सारा काम करना है। सबसे पहला काम तो होगा कपड़े धुलने, नहाने हैं। हम नहाए थे कब पता है? नहाए थे हम कहाँ नहाए थे? तावो के बाद पहुंचे थे काजा, काजा के बाद पहुंचे थे हम कहीं तो नहाए थे, याद नहीं आ रहा है, बट काजा के आसपास ही नहाए थे। हाँ हाँ, हिक्किम में नहाए थे हम, हिक्किम में नहाए थे। तब से बिना नहाए हुए हैं, बहुत गंदा लग रहा है, खुद की बॉडी बहुत गंदी लग रही है, छूने का मन नहीं कर रहा कहीं भी, इतनी ड्राई हो गई स्किन। और फाइनली यहाँ पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये जो दूरी तय की हमने ना 70 किलोमीटर की नहीं 50 किलोमीटर की, 50 भी नहीं 45 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की, क्योंकि हमने कल ही काफ़ी दूरी तय कर ली थी। हालत ख़राब करने वाली दूरी थी ये, हवा चल रही है वैसे, मुझे माइक बंद करना चाहिए, मतलब रिकॉर्डिंग बंद करना चाहिए। और अभी हमें कुछ दादा लोग मिले, भैया जी लोग मिले और दादा थैंक यू। और आप लोग साइकिलिस्ट हैं, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? रोहतांग पास करके ना, अभी हम लोग सोलांग से निकले। ओके, रोहतांग करके अभी जाना है खारदुमला। क्या बात है, अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलके। हमको भी अच्छा लगा, अच्छा लगता है जब
सकता है। इनफैक्ट साइकिलिंग और ज़्यादा पॉपुलर होना चाहिए। बिल्कुल सर, मज़ा आता है ऐसे। वही चीज़ है, हम जब इतनी लंबी राइड कर सकते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि हम जब घर पे जो है नॉर्मल 2-4-5 किलोमीटर की ज़रूरत होती है तो हम साइकिल क्यों नहीं यूज़ करते हैं। करनी चाहिए, मतलब हम लोगों ने 6 महीने पहले ऐसे एक किया था ऑल इंडिया कोस्टल ड्राइव, तो हमारा हैशटैग वही था बहुत फैट सब, पेट्रोल तो सब जला रहे हैं और साइकिलिंग करो फिट भी रहो और एनवायरनमेंट को भी बचाना है, एनवायरनमेंट को भी बचाओ और जगह भी देख लो। सही है सर, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ऑल द सेम, और सर ने हमें जो है पराठा ऑफर किया तो थैंक यू इसके लिए भी आप लोगों को। हाँ सर, फिर मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं बताना भूल गया, हम यहाँ लंच तो कर रहे हैं बट उसके साथ क्या है ना, जो व्यू है सामने ये, इसके साथ लंच करने का जो मज़ा है ना वो कई गुना और बढ़ जा रहा है। हेलो सर, आपका नाम? श्रीराम। श्रीराम जी, आप महाराष्ट्र से हैं? महाराष्ट्र से। हेलो, आपका नाम सर? मिलन तांबे। मिलन सर, आप भी महाराष्ट्र से हैं? और आपका नाम? बैंगलोर, ह्यूबर्ट अगस्टिन। ओके, आपसे मिलके खुशी हुई सर। और सबसे यूनिक चीज जो लगी कि सर अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, अकेले साइकिलिंग नहीं कर रहे, आपके साथ कर रहे हैं और आप सर के लड़के हैं, बेटे हैं, तो सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? जैक। ओके, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है और ये पहली बार देखने को मिला है, ये पहली बार देखने के लिए मिला है कि पापा के साथ बेटे भी जो है ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। ये काज हमारे हर माँ बाप के अंदर ये सोचना आ पाता कि साथ में, क्या बात है सर, अच्छा लगा। और ये वैसे एक और चीज़, अभी रिसेंटली हमने सुना, हम स्पीति कर रहे थे तो एक फादर अपनी 7 साल की बेटी के साथ जो है साइकिलिंग कर रहे हैं और बेटी अपनी छोटी साइकिल से है, पापा अपनी साइकिल से हैं, तो हम सोच रहे थे काश हम मिल पाते बट मिल नहीं पाए, वो थोड़ा स्लो, हल्का सा स्लो था क्योंकि बच्ची थी साथ में, तो बाकी एक ख्वाहिश है कि काश कहीं मिल पाए बाहर। तो ये चीज़ें देख के बड़ी अच्छी लगती हैं कि एक मतलब बच्चों के साथ ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन। हाँ वही, फैमिली एक साथ जब करें। बहुत दिनों बाद पेड़ पौधे देखने के लिए मिले हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, हरे भरी झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, बर्फ। बर्फ तो ऐसे मिल जाती थी स्पीति वैली में भी बट ये हरियाली नहीं मिलती थी, देख के बड़ा सुकून मिला है। और उधर वो खेती हो रही है और वो सामने अटल टनल है, अब हम अटल टनल पर जाने वाले हैं, अटल टनल से जो है मनाली की तरफ जाएंगे क्रॉस करके। सोचिए ऊपर पूरा पहाड़ है, इतना बड़ा पहाड़ है, पूरा पास दर्रा जो है क्रॉस करके है, अंदर अंदर जो है इस टनल को बना दिया गया है और सीधा आप जो है मनाली की तरफ निकल जाते हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है। अब हम अटल टनल को क्रॉस करके जाने वाले हैं उस साइड, देखते हैं अगर अंदर अलाउ होगा कैमरा तो ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, अगर अलाउ नहीं है तो मेरे कॉन्टेंट से बढ़ के देश की सुरक्षा है, अगर नहीं अलाउ होगा तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अब देखता हूँ क्या है सीन वहां पे जाके। ये टनल क्रॉस करते दुनिया बदल गई एकदम से, मतलब उधर थोड़ी 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 हरियाली दिखी तो यहाँ आते ही पूरा सीन चेंज हो गया,
वहां सिर्फ हरियाली थी, यहाँ जंगल वंगल सब है, पूरे बर्फ है और हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पीक पे हम लोग, 3000 के समथिंग ये हाइट होगी इसकी, बट फिर भी एकदम से सब चेंज हो गया है। बर्फ दिखाई दे रहे हैं, हरियाली दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है और मैं यहाँ के ऐसे बहुत भाग्यशाली जैसा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि सच में यहाँ आना एक ड्रीम जैसा था। अटल टनल से एक साइड से दूसरी साइड जाना, लोग इसी के लिए स्पेशली आते हैं और मज़ा आया मुझे। वैसे ये जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी। और आज हमें एक नए दोस्त मिले हैं। हेलो ब्रदर। भाई आपका नाम? मेरा नाम सौरभ गोगोई। ओके, और भाई हैं गुवाहाटी से, आसाम से। मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे और वाकई में अच्छे इंसान हैं। तो भाई की साइकिल है, ये भी राइड कर रहे हैं और ये पिछले एक महीने से राइड कर रहे हैं। ये आसाम से निकल के फिलहाल आ चुके हैं हिमाचल में, हिमाचल से लद्दाख का प्लान है आपका। तो उम्मीद करते हैं आपकी जर्नी अच्छी हो। और भाई का पेज है, चैनल भी है, एक बार जाके देखिएगा जरूर। असमीज में है आपकी लैंग्वेज? वीडियो असमीज में ही है। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जाके इनको इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो जरूर करिएगा। बाकी जो व्लॉग्स हैं इनके असमीज में आते हैं, तो कोई बात नहीं है, चलता है यार, बढ़िया है। अपने लोकल लैंग्वेज को हमेशा जो है प्रमोट करो, अच्छा लगा देख के। और हम जो है खाना खा रहे हैं और शिवाजी भाई भी बैठे हुए हैं और भाई सौरभ भाई भी बैठे हुए हैं साथ में, तीनों लोग साथ में खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे देख के, अब टेस्ट करके पता चलेगा कि खाना है कैसा। बढ़िया लग रहा है वैसे, बढ़िया। रोड के साइड एक जगह थी, हमने जो टेंट लगा दिया था, टेंट लगा के आ गए थे, सोचा खाना खा लें, खाना खा के फिर जाएंगे, थोड़ी एडिटिंग करूंगा फिर सो जाएंगे। कल का प्लान है कि कल रेस्ट करना है पूरे दिन। मंदिर था, मंदिर के सामने ही खुली जगह थी। फिलहाल भाई बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। फिर हम चले आए थे अपने टेंट में, टेंट में आए, नींद बहुत आ रही थी, थकान थी तो सो गए, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाई। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, नई जर्नी पे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।